डिस्ट्रिक्ट पेशावर में पिछले कुछ अरसे जैसे फकीरों के और ये जो नशेई लोग हैं ये बहुत ज़्यादा हो गए थे, इनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई करने का सोचा है ताकि जितनी भी आवाम को तकलीफ़ हो रही है, जो लोग पैदल चलते हैं, मार्केट्स के अंदर जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, तो देखा यह गया है कि ये फ़कीर, इसमें छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं, नशेई लोग भी शामिल होते हैं, ये उधर लोगों की गाड़ियों को रोकते हैं, घरों में लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, लोगों को पैदल चलते हुए लोगों को भी तंग करते हैं। तो इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई है। इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के तहत हम ना सिर्फ ये कि इन गदागरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि जो ये छोटे बच्चे हैं इनकी रिहेबिलिटेशन का भी काम करेंगे, इसमें जो नशेई लोग हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम करेंगे। और आवाम से मेरी अपील ये है कि आप किसी भी जगह पर अगर ये पेशावर गदागर देखते हैं, छोटे बच्चों को सड़कों वगैरह पे चौराहों पे देखते हैं कुछ चीज़ें बेचते हुए या भीख मांगते हुए, इसी तरह अगर नशेई अफराद आपको किसी जगह पर नज़र आते हैं तो 1052 हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्पलाइन है। आपसे गुजारिश ये है कि आप 1052 पर कॉल करें और इस नेक काम में इंतज़ामिया का साथ दें। नशा